हमदर्दी है वो करे, वो डी नोटिफाई करे वो जगह, वो बोले जितनी ये जगह हमारी मंदिर और समाधि और हमारी भक्तों की जगह के लिए है उसको तुम डी नोटिफाई करके, उसको डी नोटिफाई फॉरेस्ट एरिया करके हमारी मंदिर वही बनेगी, ये हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, वन का मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्यों कानून की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी पता चला है लाखों हेक्टेयर जमीन सरकार ने, लाखों हेक्टेयर जमीन जो वन का जमीन है माइनिंग के लिए दे दिया है, तथा कथित विकास के लिए दे दिया है। कल 47,000 करोड़ एफॉरेस्टेशन इन्होंने इतनी हेक्टेयर ले ली वन की, वहां पावर प्लांट बना लिया, वहां इरिगेशन बना लिया, और जितने हजारों पेड़ तोड़ दिए दूसरी जगह पेड़ करने के लिए उन्होंने कहा मुआवजा हो गया, पेड़ जो कटा था वो पेड़ हम बनाएंगे। हम भी कहते हैं जितने पेड़ की वहां जरूरत है तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, आप नाप लीजिए कितने पेड़ कटे हैं, आप बताइए। हम सब दुनिया की गुरु रविदास के भक्त एक एक पेड़ अपने हाथ में लगाकर जहां बोलो वहां लगाने के लिए, इसलिए दोहरी नीति मत करो, आदिवासियों के साथ गरीबों के साथ दोहरी नीति मत करो, एक नीति करो, और वो नीति ये है न्याय की नीति है। हम वन में विश्वास करते हैं, हम वन की रक्षा करने वाले हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जहाँ हमारी जगह थी भक्तों की वो जगह वही हमारी जो डिमांड है वो न्यायोचित डिमांड है। और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप हमारी तरफ से, हम ऑलरेडी ज्ञापन पत्र दिए हैं हरदीप पुरी जी से, हमने कहा कि आप इसको दोबारा विचार करके तुरंत कीजिए, हमने कहा आप डिवीजन बेंच में जाइए, हमने कहा आप डी नोटिफाई कीजिए, आपके सामने बहुत सारे विकल्प और रास्ते हैं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो 10 तारीख को आपने जो तोड़ा है हम अपने हाथों से उसको फिर बनाएंगे। यही मुझे कहना है। मैं उस दिन गई थी महाराज जी वहाँ, उस बारिश में भी वो वहाँ बैठे रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।